हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक महीने पहले हुए लगभग 50 करोड़ के SMS भेजो पैसे कमाओ ठगी मामले में पीड़ितों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पीड़ितों ने आरोपी के संबंध हरजा ताऊ पाछे ने फेम हरियाणवी गायक विकास कुमार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से होने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने आरोपों के पक्ष में मीडिया को आरोपियों की इन हस्तियों के साथ तस्वीरें दिखाई। पीड़ितों ने पुलिस से इन संबंधों का खुलासा किए जाने की गुहार लगाई है। गौरतलब है करीब सवा महीने पहले ऊना में आरोपी इंडियन एडवर्टाइजमेंट कंपनी के नाम से SMS भेजकर हर महीने पैसे कमाओ के नाम पर ऊना और आसपास के इलाके के करीब 250 फ्रेंचाइजिंग सहित 1,00,000 से अधिक लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 3,000 लिए, लेकिन 2 महीने बाद 1 साल तक हर महीने 5,000 रुपए देने की योजना के जरिए लगभग 50 करोड़ का गोलमाल कर फरार हो गए हैं, जिसके बाद पीड़ितों ने कंपनी ऑफिस में खूब हंगामा किया था। पीड़ितों ने शक जाहिर किया है कि बड़े लोगों के साथ संबंध होने के कारण पुलिस मामले को सुलझा नहीं पा रही है। वहीं पीड़ितों की मानो तो उन्होंने फर्म पर भरोसा करके सैकड़ों लोगों को इसके साथ जोड़ा था, लेकिन कंपनी के फरार होने के बाद लोग उन्हें धमकियां देकर पैसे लौटाने का दबाव बना रहे हैं। सर, इसका विषय जो इंडिया एडवर्टाइजमेंट सर्विस थी, इंडोर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो बाद में बनी है सर, उसको उनके लोगों को हमें पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पूरे हिमाचल के लोगों को कम से कम 85,000 जो डायरेक्टली दिखते हैं, और उससे इनडायरेक्टली जो बेचारे सीधे गए थे स्टूडेंट्स वगैरह जो कि मतलब करोड़ों की ठगी करके गए हैं, उसके आगे पुलिस प्रशासन ने अभी तक सर, अभी 1 महीना हो गया, ये 4 तारीख को भागे हैं, मतलब 3 तारीख रात को भागे थे, तो 4 को पूरा पुलिस संज्ञान में लिया, पुलिस ने भाग्य ढूंढ रही है उसको। सर, 1 महीना हो गया, उसमें एक कुक को पकड़ा गया, बाबूराम को सिर्फ, उसके बाद पुलिस ने कोई आगे कोई इन्वेस्टिगेशन जो है, हमें तो भरोसा है ही प्रशासन पर इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो है, आगे कुछ नहीं कर पा रही है पुलिस। मुझे यहां तक लगता है कि ये पॉलिटिकली उनके ऊपर दबाव डाला गया, क्योंकि हमने उनके जो पिक्चर्स फोटोज वगैरह देखी है, बड़े बड़े लोगों के साथ देखी है, तो हो सकता है उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया है पुलिस के आगे कि इन्वेस्टिगेशन आगे ना की जाए, नहीं तो इतनी देर हो गई सर, 1 महीने में कौन नहीं पकड़ा जा सकता। ऐसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारे फ्रेंचाइजी मिलकर हेल्प कर रहे थे, तो हमने उनके सारे सबूत खंगाले हैं, हमने अलग अलग जगह से सबूत हमें मिले हैं सर, तो आप ये देख सकते हैं कि खट्टर जो कि अभी प्रेजेंटली मिनिस्टर है, उनके साथ उनकी पिक्चर है सर, उनके सिक्योरिटी के साथ सारे अंदर, वहाँ वो सेल्फी ले रहा है सर अंदर बैठ के, तो कौन इतने आराम से आके सेल्फी ले सकता है किसी के घर में जाके, तो इनको ये, हम ये जानना चाहते हैं, खुलासा करें कौन है, कैसे सेल्फी ले रहा है उनके साथ, जबकि खट्टर जी का मुंह उस तरफ है मैं मानता हूं, बट वो वहां कैसे पहुंचा और क्या रिलेशन है उनके साथ, तो उसका खुलासा करें सर। ये विकास दूसरा जो है, विकास कुमार सिंगर जो है कि ताऊ पाछे नु हट जा बहुत फेमस है, हरियाणा की बहुत पब्लिक उसको गुरदास मान की तरह मानती है, 16 साल में इसने, इनके बेड पे बैठ के केक काटा जा रहा है सर ये पूरा, और रिलेशन का बर्थडे मनाया जा रहा है उसके घर में बैठ के, उसको भाई भी लिख रहा है वो, अब इसका रिलेशन क्या है उसका खुलासा किया जाए सर। तो यहाँ ऊना में उसके घर पे आया भी है, महीने में दो बार आता था सर, महीने में दो बार यहाँ पे आके उनके घर पे आके चक्कर लगा गया था, ऊना दिल्ली कॉलोनी में जहाँ पर उन्होंने रेंट पे घर लिया था, वहाँ भी आके मिल के गया, गाना भी गाया, उसका वीडियो भी है हमारे पास। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने फ्रेंचाइज लेके ना 950 ID बना दी है, तो उसमें 10-20 लोगों की सैलरी आई है, और लोग हमें धमकी दे रहे हैं जिनकी सैलरी नहीं आई है कि आपने पैसे खा लिए, आप उनको ढूंढो, आप हमारे पैसे वापस दो, हमें कॉल आ रही है कि हम आपके बच्चों को उठा लेंगे, हमें ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग, अब सर हम क्या करें, पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है, लाखों रुपए लेके वो भाग गए, अब तो हम कुछ नहीं ना कर सकते। वहीं ऊना पुलिस ने भी जांच में मुख्य आरोपी की बड़ी हस्तियों से संबंधों की बात स्वीकार की है, लेकिन पुलिस ने इन संबंधों के आपराधिक स्तर पर होने का विषय फिलहाल जांच के दायरे में बताया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें कई राज्यों में सक्रिय होने की बात कही और आरोपियों की जल्द गिरफ्तार होने का दावा किया गया। पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है, और शुरू में ही हमारी टीमें जो वो हरियाणा और यूपी में गई थी, और वहाँ पे हमने दबिश दी थी अलग अलग जगह, शुरू में पुलिस को सफलता भी हाथ लगी थी, जिसमें हमने एक OAQ को अरेस्ट किया था। मेन अभी 3-4 मुलजिम जो वो पुलिस की दृष्टि से बाहर हैं, अभी हमारी टीम जो वो एक हरियाणा में ही पोजिशन ली हुई, हमारी टीम ने पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले को ले ली है, और
बिल्कुल एक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्द ही कुछ आगे हमें शायद सफलता हाथ लगे इसमें। सर, जो विक्टिम्स हैं उनका कहना है कि उनके जो आरोप संबंध है, कुछ फेमस पॉलिटिशियंस के साथ इसमें वो नाम ले रहे हैं और कुछ हरियाणा के फेमस सिंगर्स के साथ बताया जा रहा है, तो ऐसा कुछ आया जांच में? ऐसी बातें तो सामने आई हैं कि कुछ एक लोगों के साथ उनके संबंध है, लेकिन अभी उनके क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से संबंध है या वैसे रिश्तेदारी है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब मेन मुलजिम की गिरफ्तारी होगी तो हम उनसे पूछेंगे कि उनसे क्या क्या आगे, किस किस व्यक्तियों से उनके आगे तार जुड़े हुए हैं, इस संबंध में अभी इस स्टेज पे खुलासा करना संभव नहीं है। सर,